ज्योतिषी गलत हो सकता है, परंतु ज्योतिष गलत नहीं है। ज्योतिष एक विज्ञान है जिससे आप अपनी हर समस्या का समाधान पा सकते हैं। नमस्कार। आइए जानते हैं व्रत और त्योहार 28 मई से 4 जून। मां धूमावती जयंती 28 मई को इस बार पड़ रही है। मां धूमावती 10 महाविद्याओं में सप्तम महाविद्या है, जो धूमावती मां का स्वरूप है। इसकी आप इस दिन पूजा करें, मां को नमकीन का भोग लगाएं, मां का पूजन अर्चन करें, तिल के तेल का दीपक मां के सामने जलाएं, आपको अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। ध्यान रहे, सौभाग्यवती और सुहागन औरतें मां की पूजा से बचें। 29 मई को महेश नवमी है। महेश नवमी के दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान इत्यादि करके शिव भगवान को जल अर्पित करें, साथ में थोड़े कच्चे चावल और दही से भगवान शिव का अभिषेक करें, अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। 30 मई के दिन गंगा दशहरा पड़ रहा है। इस दिन गंगा स्नान का अत्यधिक महत्व बताया गया है। अगर आप गंगा जी के घाट पर जाकर स्नान कर सकें तो बहुत अच्छा है, और अगर आप गंगा जी के घाट पर स्नान नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने घर में भी गंगा जल से स्नान कर सकते हैं। यदि इतनी मात्रा में गंगा जल ना हो तो एक सूखी बाल्टी में पहले एक ढक्कन गंगा जल का डालें और बाद में उसमें नॉर्मल पानी भरकर उससे स्नान किया जा सकता है। 31 मई को माँ गायत्री जयंती है। माँ गायत्री का पूजन अनुष्ठान करें, गायत्री मंत्र का जाप करें, लाभ प्राप्त होगा। 31 मई को ही निर्जला एकादशी भी पड़ रही है, तो इस दिन जल का दान का बहुत अत्यधिक महत्व बताया गया है। 31 मई को ही राम लक्ष्मण द्वादशी भी पड़ रही है, जिस दिन राम लक्ष्मण का पूजन करने से अत्यधिक लाभ प्राप्त होता है। प्रद्योष व्रत 1 जून को है। वट पूर्णिमा व्रत जो है 3 जून को है। ज्येष्ठ पूर्णिमा 3 जून को है। साथ ही कबीरदास जी की जो जयंती है वो 4 जून को रहेगी। मीन राशि 29 मई से 4 जून, दिन सोमवार से रविवार। बात करें तो 31 मई, 1 और 2 जून जातक के लिए अशुभ तिथि होने वाली है, या हम बोले कि जातक को यहां पर सावधान रहने की अत्यधिक आवश्यकता है। आइए जानते हैं कि सप्ताह के आरंभ में ग्रहों की स्थिति क्या बन रही है। राहु, बुध और बृहस्पति मेष राशि के होकर द्वितीय भाव में विराजमान हैं, जो कि आपको धन की हानि दे सकते हैं। आपकी वाणी से कुछ ऐसे शब्द निकलवा सकते हैं जिसका सामने वाला गलत रूप से मतलब निकाल ले। सूर्य वृषभ राशि के होकर तृतीय भाव में विराजमान है। शुक्र मिथुन राशि के होकर चतुर्थ भाव में विराजमान है। मंगल कर्क राशि के होकर पंचम भाव में विराजमान है। चंद्रमा सिंह राशि के होकर छठे भाव में विराजमान है। केतु तुला राशि के होकर सप्तम भाव में विराजमान है और शनि कुंभ राशि के होकर 12वें भाव में विराजमान है। जातक को यहाँ थोड़ा सा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। जातक अपने कंठ पर केसर का तिलक लगाए, नाभि पर केसर का तिलक लगाए तथा एक सफेद काला कंबल लेकर मंदिर में दान दे, जातक के लिए अत्यधिक लाभदायक होगा। 29 मई के मध्य में जातक अपनी काबिलियत और योग्यता का लोहा दुनिया को मनवाएगा। जातक में वो कैपेबिलिटी होगी। माता पिता व घर के वरिष्ठ लोगों का जातक को आशीर्वाद मिलेगा। जीवन के प्रति सोच सकारात्मक बनेगी। 30 व 31 मई को स्वास्थ्य में सुधार आएगा। प्रेम प्रसंगों में सफलता मिलेगी। स्वयं का मूल्यांकन बहुत बदलाव और अमल में लाएंगे। शत्रु व विरोधी सक्रिय होंगे, परंतु उनसे सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। 31 तारीख के शाम के समय से शत्रु आप पर हावी हो सकते हैं, थोड़ा सा सावधान रहे। 1 और 2 जून को वाहन सावधानी पूर्वक चलाएं, दुर्घटना हो सकती है। वाहन पर स्क्रैच या वाहन पर डेंट वगैरह लगने के चांसेस हैं। कोई अप्रिय घटना घटित हो सकती है। गुरु राहु का धन भाव में योग के कारण धन की हानि की प्रबल संभावनाएं हैं। मेहनत व परिश्रम भी व्यर्थ हो सकती है। कोई प्रिय वस्तु चोरी व गुम होने की प्रबल संभावना है। 3 और 4 जून को हर कोई
आपकी बुद्धि व चातुर्य की प्रशंसा करेगा तथा जो समय पीछे मुश्किल चला है वो यहाँ अनुकूल होना स्टार्ट हो जाएगा। समय आपके अनुकूल होगा। नौकरी व व्यवसाय में माहौल बहुत ही खुशनुमा रहेगा। राजकीय कार्य अल्प प्रयास से पूरे हो जाएंगे। किसी वरिष्ठ मित्र या अधिकारी का सहयोग आपको यहाँ मिल सकता है। अगर बात करें उपाय की तो बृहस्पतिवार के दिन केले के पेड़ में जल दें तथा हो सके तो पानी में थोड़ा सा गुड़ डालकर केले के पेड़ पर पीली मोली बांधकर उसका पूजन अर्चन करें तथा बृहस्पतिवार के दिन प्रभु श्री राम या विष्णु भगवान का पूजन अर्चन करें तो आपको लाभ प्राप्त होगा।